रामपुर के शहाबाद नगर में आज ई रिक्शा चालकों ने कतवाली का घेराव किया। ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि कुछ लोग जाहिदपुर चौराहे पर आए दिन उनके साथ मारपीट व लूटपाट करते हैं। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि नगर के रामपुर रोड पर स्थित डिग्री कॉलेज पर वे छात्र छात्राओं को पहुंचाते हैं, उनको लेकर आते हैं। चालकों के अनुसार पड़ोस के गाँव रुस्तमपुर के कुछ व्यक्ति आए दिन उनको मारते पीटते हैं। कई बार शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजन आज जब रिक्शा चालक छात्र छात्राओं को छोड़ने गए तो वहीं लोग फिर उनके साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद रिक्शा चालक एकत्रित होकर कोतवाली शाहबाद पर प्रदर्शन करने लगे और कोतवाली का घिराव किया। घटना की जानकारी पर नगर पंचायत के चेयरमैन मतलूब अहमद अंसारी भी कोतवाली पहुंच गए। चेयरमैन ने ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को कोतवाल सोम प्रकाश वर्मा को अवगत कराया, जिस पर एक्शन लेते हुए कोतवाल फोर्स आरोपियों के पकड़ने के लिए निकल पड़े। पुलिस जब आरोपियों के घर गई तब तक आरोपी घर से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश में जुट गई है। रामपुर यूपी से जाट टीवी न्यूज के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। जी मैंने कहा मुझे आप मार क्यों रहे हो, मेरी गलती तो आप बताइए। तो बोलो गलत जा रहे आए थे नहीं जा रहे, उन्होंने पूछो ना कचा आते मेरे चार पाँच जनों ने, चार जने थे उंगली पड़ गए। कल शाम को गया था सवारी लेके तो मुझे मारा था, मेरे साथ में बदतमीजी करी थी। करीबन 15-20 लोग थे शराब पी। कहाँ के हैं वो लोग? जाहिदपुर के, रुस्तमपुर जी। इधर जहाजपुर जो लड़कियों को लेकर जाते हैं और सवारियों को लेकर जाते हैं, तो उनके साथ में रविंदर नाम का एक कोई व्यक्ति है और उसके साथ ही है चार छः, वो इतनी बदतमीजी करते हैं, इनको मार सकते पीटते हैं और इनके जेब में जो पैसे हों तो वो भी निकाल लेते हैं।